नमस्कार, मध्य प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। खबरों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का निधन हो गया है। शर्मा ने राजधानी भोपाल के चिरायु अस्पताल में अंतिम सांस ली। शर्मा कोरोना वायरस से संक्रमित थे और चिरायु अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पूर्व मंत्री गत 11 मई को कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिसके बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पर आज भाजपा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का शरीर पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। उनकी अंत्येष्टि पूरे राजकीय सम्मान के साथ में की गई। उनकी अंत्येष्टि में हजारों की संख्या में लोग उमड़े। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत की है, जहां पर उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना लगभग नियंत्रित हो चुका है। पिछले 24 घंटे में 4120 नए मरीज सामने आए हैं, माफ कीजिएगा, से ज्यादा मरीज जो है स्वस्थ हुए हैं, जबकि नए मरीज जो है 1078 है। प्रदेश में अब मात्र 20,000 एक्टिव केसेस हैं। संक्रमण दर घटकर 1.54% हो गई है और रिकवरी रेट 96.3% है। वहीं पर उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आशाजनक और उत्साहजनक खबरें आ रही हैं। आज कोरोना के कुल 1078 मामले पूरे मध्य प्रदेश में आए, जबकि ठीक होकर 4120 लोग अपने घर गए, मतलब चौगने। प्रसन्नता की बात ये भी है कि एक्टिव केस अब कुल पूरे मध्य प्रदेश में 20,000 ही बचे। अगर हम संक्रमण की दर को देखेंगे तो वह कुल 1.54 ही रह गई है मध्य प्रदेश पूरे में, जबकि रिकवरी रेट हमारी 96.3%। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने राजवाड़ा स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर की 296वीं जयंती का माल्यार्पण किया है और कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे और मीडिया से रूबरू हुए। वहीं पर क्षेत्र विधायक ने कहा है कि हमने देवी मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया है और प्रार्थना की है कि इंदौर शहर से कोरोना महामारी जल्द से जल्द दूर हो, इंदौर शहर में फिर से अमन कायम हो। हम सभी ने कांग्रेस की ओर, आदरणीय शहर कांग्रेस अध्यक्ष की ओर, सभी कांग्रेस द्वारा आज यहाँ पर माल्यार्पण करा और माँ के चरणों प्रणाम करा, क्योंकि हमारे देश की ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने देश राज किया था और उन्हें धार्मिक के नाम पे अपने हाथ में हमेशा शिव भगवान रख के उन्होंने देश राज किया था। और आज इंदौर शहर के अंदर जो महामारी फैली हुई, उससे हमने प्रार्थना करी कि जल्दी से जल्दी खत्म हो और इंदौर शहर वापस चमन हो, क्योंकि इंदौर शहर में हजारों मौतें हो चुकी हैं और कई लोग बीमार हो चुके हैं और इंदौर शहर में आज अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। लोगों के लिए खाने के लिए नहीं, रोजगार नहीं, निर्भर हो चुके हैं और कई व्यापारी हैं, सबके काम बंद हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं जल्दी जल्दी शहर खुले और वापस माँ अल्लाह का प्रणाम करके, माँ अल्लाह जो भी इंदौर शहर में माँ अल्लाह का प्रणाम करके उसके बाद काम होता है वो सभी संपन्न होता है। तो आज हम उनके चरणों में। वहीं रीवा में कोरोना संक्रमण के बीच में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों व उनके परिवार के सदस्यों को समुचित उपचार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पुलिस लाइन में बने सामुदायिक भवन में 16 बिस्तरों वाला ऑक्सीजन वार्ड तैयार कराया गया, जिसका शुभारंभ रीवा रेंज के आईजी उमेश जोगा ने किया। बता दें कि अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार मरीजों को रखा जाएगा, जिनका चिकित्सकों की देखरेख में इलाज किया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर के लगातार किए जा रहे दावों को देखते हुए विभाग ने अपने स्टाफ को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की है। इसमें 16 बेड मौजूद हैं और सभी में ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां पर मेडिकल स्टाफ, दवाइयां समेत अन्य संसाधन भी उपलब्ध रहेंगे। एसपी ने मैं पुलिस अधीक्षक रीवा को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस में आगे बढ़ के और डीआईजी रीवा अनिल कुशवाहा, इन दोनों ने मिलकर और परप्रसाद श्री अलय राजा का सहयोग लेके, इनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कलेक्टर रीवा को। उन्होंने इन सभी विभागों को टीम वर्क से साथ करके कोरोना में जिस तरह से उन्होंने ये हासिल किया है इसके लिए, और साथ ही हमारा विभाग के लिए भी ये सहयोग उन्होंने किया। इससे क्या है कि हमारा कर्मचारी जो बाहर ड्यूटी में रहता है तो उसको मानसिक तनाव नहीं रहेगा कि अगर उसको कोई भी समस्या होगी या उनके परिवार को कुछ होगा
उसका यहाँ पर उसके लिए सुविधा है, देखभाल के लिए हम लोग पूरा। कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलने के साथ ही प्रशासन अब व्यापारियों की वैक्सीनेशन पर विशेष ध्यान दे रहा है। इसी कड़ी में उत्सव राजविलास में व्यापारियों के लिए एक विशेष तौर पर शिविर लगाया गया, जहां पर उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। शासन व प्रशासन का मानना है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने के बाद व्यापारियों को वैक्सीन उपलब्ध कराना, वैक्सीनेट करना उनका जरूरी है, जिससे कि व्यापारी सुरक्षित रहे और उनके यहाँ पर जो ग्राहक आ रहे हैं वो भी सुरक्षित महसूस करें। इसी संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा है कि जिस तरह से पहले पुलिस फिर प्रशासन को वैक्सीनेट किया गया है, उसी तरह से कोरोना कर्फ्यू खुलने के बाद में व्यापारियों को भी वैक्सीनेट किया जाएगा, जिससे कि संक्रमण की चेन टूट सके। की प्रक्रिया जो शुरू हुई है उसमें अब व्यापारियों के संपर्क में लोग आएंगे, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि व्यापारी वैक्सीनेटेड रहें, जिससे कि उनको बाहर के लोगों से खतरा ना रहे और उनसे आने वालों को खतरा ना रहे। इसलिए ये श्रेणी सरकार ने तय की है कि व्यापारी और पब्लिक से जुड़े हुए जो लोग काम करते हैं उन सबका पहले से करा दें, जैसे शासकीय कर्मचारियों का, पुलिस का, जो कोरोना वॉरियर हैं उन सबका पहले से कराया गया, उसी प्रकार से व्यापारी। मध्य प्रदेश में जहां 1 जून से लॉकडाउन खुल गया है, तो वहीं पर दूसरी ओर मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बिना मास्क के लोग सामान बेच रहे थे, तो वहीं पर दूसरी ओर खरीदारी करने के लिए जो लोग वहां पर पहुंचे थे उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया था। जब इन लोगों पर मोरबा पुलिस की नजर पड़ी तो लोग भागते हुए नजर आए, लेकिन बिना मास्क पहने लोगों के लिए मोरबा पुलिस ने कार्रवाई की है। मोरबा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने बताया है कि मोरबा थाना अंतर्गत बाजारों में बिना मास्क के लोग सामान बेच रहे थे, तो वहीं पर ग्राहक भी बिना मास्क के थे। हमने कुल 34 लोगों को ऐसे पकड़ा है। पहले हमने उन लोगों को जो व्यक्ति लापरवाही कर रहे थे उन्हें 2 घंटे तक फल मंडी स्थित खुली जेल में रखा है और उसके बाद फल मंडी से लेकर सरस्वती विद्यालय तक पैदल चलवाया है। इसके अलावा पकड़े गए लोगों के द्वारा मास्क लगाना कितना जरूरी है नारे भी लगवाए हैं। आखिर में जो व्यक्ति बिना मास्क थे उन्हें निःशुल्क मास्क भी वितरित किए गए हैं। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान करने वाले दानदाता जिस उम्मीद के साथ में रक्तदान करते हैं, उस उम्मीद के साथ में उस जरूरतमंद व्यक्ति के पास में ब्लड पहुंच ही नहीं पाता। दरअसल ब्लड बैंक के नीचे मेन गेट पर 2-3 लोग खून की दलाली और डील करते हुए दिखाई दिए, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। खून लेने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए थे। उन्होंने बताया कि 1 दिन पहले भी यहाँ पर एक व्यक्ति को 3,000 रुपए में खून बेचा गया। मामला इतना संगीन है, प्रभारी से लेकर सिविल सर्जन तक इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। ब्लड बैंक के प्रभारी PN धाकड़ ने अपनी पैथोलॉजी चलाने और घर पर मरीजों को देखने में वो लोग व्यस्त हैं। ब्लड चाहिए जी, ब्लड की 3,000 रुपये मांग रहे जी, हमारे पास पैसा तो कम पड़ रहा है जैसे जी, सर ब्लड लेने आए थे तो आपने अभी बात की, वो आपसे कितने रुपये मांग रहा है, कौन सा ब्लड चाहिए आपको? ये चाहिए पॉजिटिव। कौन सा? वो पॉजिटिव। तो आपने कितने रुपये मांगे? 3,000 रुपये मांगे आपने। इस तरह से बेचा जा रहा है ये मेरे संज्ञान में नहीं है, आप क्या कहना चाह रहे हैं थोड़ा स्पष्ट करें। नीचे से लेकर ऊपर तक मिली वगैरह चल रही है लोगों की, ये दलाल भी बन सके हैं तो काफ़ी मात्रा में ऐसे इस तरह से हो रहा है, तो ये मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं लाया गया है। यदि ऐसा कुछ है तो मैं उसकी जाँच कर रहा हूँ। वहीं धार जिले के निरसनपुर चौकी अंतर्गत ग्राम लिम्बगा में किसानों के द्वारा शिकायत की गई कि कुछ लोगों ने ओंकारेश्वर परियोजना की नहर को तोड़ दिया। दरअसल इस नहर से गनपुर और पूरा ग्राम के 40 किसानों के खेत में पानी पहुंचता था। जमीन खरीददार ने अपनी नेतागिरी दिखाते हुए एक तरफ पोकलेन मशीन से तो दूसरी तरफ जेसीबी मशीन से नहर को तहस नहस कर दिया। वहीं पर NVDA विभाग के द्वारा बनाई गई नहर क्षेत्र के कई किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का काम करती है। बावजूद इसके जमीन के हाल ही में बने हुए दूसरे मालिकों ने इस जमीन की लालच में सरकार के लाखों रुपयों को बर्बाद कर दिया, जिसके बाद में 40 किसानों ने कुच्ची SDM को पानी देने वाली नहर के बारे में शिकायत की है। वहीं पर कुच्ची SDM विवेक कुमार ने तत्काल मौके पर जाकर 2 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
जावरा में कई सालों से अवैध कॉलोनी होने के कारण अव्यवस्था होने से परेशानी झेल रहे काटजू नगर वासी द्वारा नाली का पानी जल नल के पानी में सप्लाई होने की समस्या सोशल साइट पर पोस्ट की गई, जिसके बाद में मामला गर्मा गया, जिस पर जावरा नगर पालिका सीएमओ नीता जैन ने जानकारी देते हुए बताया और जांच के आदेश दिए। वहीं पर तत्काल पानी की नई पाइपलाइन डालने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पर मामले पर कॉलोनी वासियों ने बताया है कि कई सालों से नाली का पानी नल के पानी में सप्लाई होता रहा, लेकिन जिम्मेदारों ने मामले की कोई सुध नहीं ली। हमने नगर पालिका में भी कई बार शिकायत की, जिस पर इलाके को अवैध कॉलोनी बताकर मामला टाल दिया गया। गुना से हवाई फायरिंग का मामला सामने आया है। दरअसल गुना पुलिस को सूचना मिली कि सिसौदिया कॉलोनी के पास में कुछ युवकों ने हवाई फायरिंग किया है, जिसके बाद में पुलिस ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया, घेराबंदी करके कार सवारों को रोक लिया, जिसके बाद में पुलिस ने कार सवार 5 लोगों को गिरफ्तार किया। हिरासत में लिए गए आरोपियों ने बताया है कि वह ग्वालियर से गुना अपने दोस्त के जन्मदिन में शामिल होने के लिए आए थे और सिसौदिया कॉलोनी गुना स्थित अपने दोस्त के घर के बाहर पहुंचते ही दोस्त के जन्मदिन की खुशी में लाइसेंसी बंदूक से उन्होंने हवाई फायरिंग किया था। सड़क हादसे में सर पर आई गहरी चोटों से दिमागी हालत ठीक नहीं होने के चलते एक व्यक्ति ने परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरा मामला इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर आत्महत्या का मामला सामने आया, जिसमें कि मनोज नामक व्यक्ति का पिछले दिनों एक्सीडेंट हो गया था, जिससे मनोज के सिर पर चोट लग गई थी, हालत बिगड़ गई थी। मनोज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने बताया कि वह मानसिक रूप से परेशान था, जब से सर में गहरी चोट लगी थी तब से वह बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। इंदौर की बसंत विहार कॉलोनी में एक रेडीमेड कारोबारी के घर में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आग में एक कार समेत पूरे घर का सामान जल गया और खाक हो गया। घटना बॉम्बे कॉलोनी माफ कीजिएगा बॉम्बे अस्पताल के समीप पॉश कॉलोनी वसंत विहार का है, जहां पर आग देखते ही देखते पूरे घर को अपने चपेट में ले लिया। वहीं पर पार्किंग में खड़ी कार तक जल गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, साथ ही आग से लाखों रुपए के नुकसान का आकलन है। 9:55 पे लगभग आग लगने की सूचना प्राप्त हुई बसंत विहार कॉलोनी में बॉम्बे अस्पताल के पीछे। हम लोग घटना पूछे हैं, यहाँ पर मकान नंबर 185C नरेंद्र बागवान जी का मकान है, जिसके अंदर कुछ बुजारी का सामान नीचे जला है, गाड़ी जली है और नीचे से आग जो है वो गली ऊपर लगी, उससे सेकंड मंजिल में भी नुकसान हुआ, जिसमें घर गृहस्थी का सामान हुआ, घर में आग फैल चुकी थी, पूरे घर में आग फैल गई। और हाँ, क्या बोल रहे आप, लगभग कितना नुकसान बता रहे हैं अभी, नुकसान और कारण का? और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।